सब्ज बाग दिखा करके सिर्फ घोषणा कर करके उन पर लाठी डंडा बरसा करके नौकरी मांगने पर ये कारनामा बंद करे बिहार सरकार। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है, आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में बीजेपी धीरे धीरे सही लेकिन महागठबंधन की सरकार पर लगातार हावी होती जा रही है। जिस रोजगार के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव सत्ता में आए और जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन किए, उसको बीजेपी अब पूरी तरीके से भुनाने में लग गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि बिहार के युवाओं को सब्ज बाग दिखाने की जगह पर नौकरी कैलेंडर जारी करे बिहार सरकार। साथ ही ये भी कहा कि अब मौका है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का, बिहार के युवाओं को बताएं कि कैसे और कब किस विभाग में कितनी नौकरियां देगी बिहार सरकार। ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कही, और क्या कुछ कह रहे अरविंद कुमार सिंह पहले आपको सुनिए। बिहार के युवाओं को सब्ज बाग दिखाने के जगह पर नौकरी कैलेंडर जारी करे बिहार सरकार। ये हर विभाग बार जितनी वैकेंसियां हैं और किन किन पदों के लिए हैं और कब कब इन वैकेंसियों को भर्ती किया जाएगा और इनकी तनख्वाह कहां से आएगी, ये बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बताएं। और सिर्फ सब्ज बाग दिखा करके सिर्फ घोषणा कर करके उन पर लाठी डंडा बरसा करके नौकरी मांगने पर ये कारनामा बंद करे बिहार सरकार। और सब्ज बाग दिखाने की जगह पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनको नौकरी कैलेंडर जारी करके उनको बताइए कि कब कब आप किन किन विभागों में कहां से नौकरी दे रहे हैं। तो जब ये सारी मांग करने लगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, तो उसके बाद एक बार फिर से लालू यादव की लाडली यानी कि रोहिणी आचार्य के बोल जो हैं वो बिगड़ गए। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को बेशरम कह दिया। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कुछ कहा आपको वो बताते हैं। ट्वीट किया उन्होंने कि बेशरम प्रवक्ता, पहले ये ना बताओ मोदी जी का प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों का हिसाब तो दे भाजपा। 15 अगस्त 2022 गुजर गया, पक्का मकान कब मिलेगा? काला धन कब आएगा? 15-15 लाख कब आएंगे खाते में? डिटेल दे दो बेशर्मो। तो रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे बेशरम कहा है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को। इस सब की जो कह सकते हैं ना कि ये जो वार पलटवार की जो राजनीति है जो बिहार में हमेशा ही चलती रहती है, ये तो अभी शुरुआत है। देखिए, अब पहले तो बात तेजस्वी यादव की, अब नीतीश कुमार पर भी बीजेपी जो है हावी है। यही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार ने नीतीश कुमार के लिए एक कविता लिखी है। उस कविता में उन्होंने लिखा है कि बेबस और लाचार हूं मैं, ही सरकार हूं लेकिन नीतीश कुमार हूँ। हत्यारे लुटेरे बलात्कारियों अपराधियों को दे रहा रोजगार हूँ, इसलिए कुर्सी कुमार हूँ। यूपीए में रहूँ या एनडीए में रहूँ, फिर भी मैं ही सरकार हूँ, इसीलिए नीतीश कुमार हूँ। गुंडे अपराधियों से बना सरकार हूँ, जहाँ मंत्री बना फरार हो, इसलिए मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार हूँ। न बचाता हूँ न फंसाता हूँ, शराबबंदी के नाम पर दलित हत्या कराता हूँ, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूँ। हत्यारों घोटालेबाजों अपराधियों का मनोबल अब बढ़ाता हूं, इसलिए अब मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहलाता हूं। पलटूराम रंग बदलू हूं, जनता का धोखेबाज हूं, फिर भी सरकार हूं, इसीलिए नीतीश कुमार हूं। तो बीजेपी की जो बात कह रहे हैं कि वो लगातार हावी होती जा रही है बिहार सरकार पर, और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके जवाब में, हालांकि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके जवाब तो दिया है, लेकिन और क्या कुछ आगे होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।